जरा बुलेट राजा वाला पप्पू यादव का ये अंदाज देखिए। पप्पू यादव की बुलेट पर बैठी हुई ये तस्वीर वायरल हो रही है। पप्पू यादव ने बुधवार को जैसे ही अपनी बुलेट निकाली, वो रेस में तेजस्वी और चिराग पासवान से एक बड़े मुद्दे पर आगे निकल गए। बता दें कि SC ST में कोटे में कोटा मामले को लेकर पूरा भारत बंद बुलाया गया है और इस बंद का अच्छा खासा असर बिहार में भी देखा गया। इस बंद के दौरान जहां तेजस्वी यादव और चिराग पासवान का सड़कों पर समर्थक इंतजार करते रहे, वहीं इन सब से इतर पप्पू यादव आराम से सड़कों पर उतर गए और पप्पू यादव जैसे ही सड़कों पर उतरे, मीडिया कैमरे उनकी तरफ घूम गए। बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं और पूर्णिया की सड़कों पर पप्पू का ये लाजवाब अंदाज देखने को मिला, जहां पप्पू यादव लगातार क्रिमी लेयर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पप्पू यादव का बयान सुनिए। सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी तो आरक्षण वैसे ही खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद आप लगातार शुरू से ST SC का मूल्यांकन नहीं किए कि आरक्षण के बाद कितना उनके आर्थिक शैक्षणिक उनके अधिकार को सम्मान मिला कि नहीं। आप बैक दरवाजे से यदि आप क्रिमिलियर ST SC में भी लाओगे, 1.3% भी उनको अभी तक रोजगार नहीं मिला, तो भैया ये तो आपस में विवाद के साथ साथ आपकी मनसा सही नहीं है कि आप तो शुरू से आप आरक्षण विरोधी दिखते हैं। बता दें कि एक और जहां इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, मीडिया के माइक पर खूब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब बात सड़क पर उतरने की आई तो पप्पू यादव चिराग और तेजस्वी दोनों से आगे निकल गए। या तो इसको आजीवन खत्म करिए, क्रिमिनल के खिलाफ आप अध्यादेश मंगाइए, अन्यथा समर्थन वापस लीजिए। आज पूरा भारत का ST SC EBC की भावना सड़कों पर है, ये आप देख लीजिए। ये दल नहीं है, किसी दल ने नहीं किया, ये देखिए मेरे कंधों पर, ये क्रांति का प्रतीक है, मरने का प्रतीक है। ये किसी दल ने नहीं, ये सामाजिक क्रांति के विचार रखने वाले छात्र युवा के संगठनों ने किया है और आज हम लोग उस भावनाओं के साथ, उस जज्बात के साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्णिया और बिहार की बाजार और अन्य लोगों की कि आप लोगों ने EBC OBC के अधिकार, ST SC के अधिकार के लिए आप आज हमारा समर्थन किए, धन्यवाद। पप्पू यादव के इस बुलेट राजा वाले अंदाज पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।